बौद्धिक विचार मंच के क्या सम्मेलन घुमाते हैं जिसमें हमारे करीब मोर देन 35 सांसद विधायक आए थे, उन्होंने उनकी बातें हमने सुनी, समझा, विचार मंथन किया और आज हम पुनः बीजा पीपल के दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मैं अन्य प्रदेशों का दौरा छोड़ के यहाँ आज ही आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ। उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक शुरुआत उन्होंने की है और ये शुरुआत चाहे धीरे से हो हमेशा काम अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत जीरो से होती तभी हम 100 अंक का पार निकल सकते हैं, इसलिए उन्हें बधाई। बेसिकली ये दोनों चीजें मिक्स हैं, चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे रोस्टर का हो, चाहे जनसंख्या के आप अनुपात में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का हो, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स हैं। इतिहास में हमें ही जाना है, भारत एक ऐसा बड़ा नेशनल कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कहीं विश्व में और नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे पिलर, उनके माध्यम से कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें इसके लिए विचार मंथन की आवश्यकता है। और इसी कारण ये दूसरा एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों का सम्मेलन उन्होंने रखा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अब क्या काम करना है उस पर हमें विचार मंथन करना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर है, विशेषकर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल, मीडिया में भी सोशल मीडिया और अन मीडिया, रिलीजियस मीडिया भी इसमें शामिल होता है, प्रोफेशनल मीडिया भी शामिल होता है, बिजनेस पिलर भी अपने साथ है, पेड प्रोफेशनल भी है। तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर को लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में विचार करते हैं। वास्तव में हम जब आजाद नहीं थे, हमारी एक बुकलेट अभी हम देख रहे थे, वितरित हो रही है, जब हम आजाद नहीं थे तब भी हमारे यहां सेंसर जाति के आधार पर होता और ये 100 वर्ष तक चला। इसके बाद किसी न किसी कारण से बीच में बंद हुआ, फिर एक गवर्नमेंट आई तो उन्होंने शुरू किया नहीं सेंसस होना है। फिर 1910 में निर्णय हुआ कि नहीं करेंगे हम, 100 वर्षों में करेंगे ढोल मोल तरीके से करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका परिणाम ये है कि हमारे देश में अनइवन वातावरण पैदा हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और हम दोनों पहलुओं का उपयोग कर सकते हैं, स्याह भी कर सकते हैं, उजाला भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका भी हमें संवैधानिक ही निकालना पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध है कि जब हमारी जनसंख्या, सभी की जनसंख्या, हमें किसी जात धर्म से कोई बुराई नहीं, हमें अपनी लकीर बड़ी खींचने के लिए प्रयास करना, हमें किसी की लकीर नहीं मिटाना है, हमें किसी जात धर्म के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन जो हमारी लकीर है वो हमें इतनी बड़ी बनाना है कि जो देश के प्रगति के लिए काम आए और हमारे समाज के लिए काम आए, हमारे समाज के लिए काम आए, हमें ऐसी लकीर बनाना। साथियों, ये जो कास्ट सेंसर है इसके बहुत सारे फायदे हैं, न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल फायदे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों प्रकार के फायदे हैं। जो रिजर्वेशन है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, किसी को रिजर्वेशन जो दिया गया उसकी आवश्यकता नहीं है, जिसको चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए सेंसस को लाना बहुत आवश्यक है। और इसे हमें करने के लिए जो हमने बताया कि दोनों प्रकार के हथकंडे हमें अपनाना पड़ सकते, जब हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है, और वास्तव में ये बधाई है पूरे संसार में इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो हमें तरीका उससे अलग जाके नहीं ले जाना है। अब हमें तरीका क्या है इसमें विचार मंथन, हम इसको ले कैसे जाए, हम अपना काम कैसे कराना, उसके लिए इन्हीं लोगों का उपयोग करना होगा। वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है, रोस्टर की बात, दोनों की मिक्स बात करें तो 30 और 200 का रोस्टर वो नहीं है। बाइनरी रोस्टर क्यों ठीक है, अगर हम इसमें बात करेंगे तो 1 घंटे लगेगा। हमने करीब 30 साल से सरकारी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों में बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट के ऑर्डर देके कई बार हमने ही उस पद पर रहकर बहुत सारे ऑर्डर दिए, मैं समझ नहीं पाया इसको, कई साल तक नहीं समझ पाया। जब हमें मौका मिला इसको इंप्लीमेंट करने का तब मुझे समझ में आया कि ये तो सब हवा हवा में लट मार रहे हैं, वास्तव में जो होना चाहिए धरातल पर वो रोस्टर का काम है ही नहीं, मूर्ख बनाने का कहो या किसी बनाने का,
कोई देश या घर तभी मजबूत होता है जब उसके व्यक्ति प्रसन्न रहे। रूल और रेगुलेशन जनता के लिए बनते हैं और जनता के लिए ही बदले जा सकते हैं। जनता की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए ही रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कोई आसमान पर नहीं तोपे जाते। अगर वो विपरीत है तो उनको बदलने का काम ही किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और बदलना चाहिए। तो बाई मेरिट जो रिजर्वेशन है, अगर आप देखेंगे 1, 3, 5, 9, 13, 11 किसी को कोई नुकसान नहीं है पूरे भारत। अभी हमारे वक्ता आगे बताएंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो ये काम हर हालत में होना चाहिए, 90% आबादी हो या 10% आबादी हो, हमें किसी आबादी का हक नहीं छीनना है। हमें उनको भी एजुकेशनली आगे बढ़ाना है। समृद्ध भारत तभी होगा जब हम अपनी बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य जात धर्म के लोगों को भी आगे बढ़ाए, हम अन्य पिछड़े गरीब लोगों के तबकों को भी आगे बढ़ाए, तभी हमारा देश समृद्ध होगा और तभी हम समृद्ध होंगे। लेकिन जो हमें हक नहीं मिल रहा है उसके लिए लड़ाई हमें आवश्यक लड़ना होगा। साथियों, हमने ऑफिसली जब करना की, मैं विशेष पटेल समाज से बड़ा हूँ, जैसा विधायक नेता जी बता रहे थे, हम भी बहुत छोटे गांव में पैदा हुए, तभी किसी को पता नहीं है कि ये भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक पोस्ट पे आ जाएंगे। छोटा सा गांव, ग्राम पंचायत, सौभाग्य मिला। हम जब विभिन्न पदों पर रहे, बहुत सारे देशों में गए, मुलाकात की, अपने ही देश के कई प्रदेशों में दौरा किया, तो मैंने ये पाया कि हमारे समाज के, समुदाय के और अन्य समुदाय के लगभग, हमारे समुदाय के 27,28,35,000 लोग भारत में निवास करते हैं। माननीय सांसद जी यहाँ पटेल साहब बैठे हैं, इन्हें ये बहुत पुराने हमारे साथी रहे, इनका बहुत भी हमारे बॉस भी रहे, जब इनका सेक्रेटरी प्रमुख सचिव था, वो आपकी इसी मंच पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। 27,48,00,000 लोग हमारे बीच में है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी कुरीतियां और अन्य विकार है। तो संघर्ष किया, करीब 25 राज्यों में एक संगठन बनाया इस डेमोक्रेटिक कंट्री को ऊपर उठाने का, अपने समाज को उठाने का और अपनी कुरीतियों को दूर करने का। हमने उन्हें वहां एक पिछले वर्ष बैठक में ये निर्णय लिया, और जो हमारा अगला राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, करीब 20,000 प्रतिनिधि आके उसमें हर साल, इस साल महाराष्ट्र में वो अधिवेशन है, करीब करीब 20,000 लोग आते हैं पूरे 24 राज्यों से। तो मैंने एक बिंदु रखा उसमें कि जो सर्वेक्षण अगला 2021 में हो, वो उस आधार पर करने के लिए पूरे राष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार किया जाए और पूरे राष्ट्र में जागृति लाया जाए, ताकि आने वाले समय में 2021 में इसको समावेश किया जा सके। और आज हमारे बीच बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ हैं, प्रबुद्ध राजनीतिक लोग यहाँ हैं, प्रबुद्ध मीडिया के पर्सन यहाँ हैं। कभी भी कोई भी बात आती है तो उसको कुछ लोग निगेटिव रूप में छापना शुरू कर देते, भटकाना लटकाना शुरू कर देते, इधर से उधर उधर कर देते। लेकिन आज इस मंच से हम लोग सभी संकल्प लेकर जाए, केवल एक लक्ष्य है, किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेटिक वे में क्या क्या तरीके होंगे ये आज की बैठक के बाद निष्कर्ष आपको निकालना है। हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे, आपके साथ लाखों करोड़ों लोग, मैं गारंटी लेता हूं, तैयार रहेंगे जो इस कार्यक्रम में, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे, कि आप लोगों को निर्णय लेना है, इसके निष्कर्ष निकाले जाए और उसको निष्कर्ष को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी निष्कर्ष निकाले जाए। जब बैठक खत्म होती है इसके बाहर काम खत्म हो जाता, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन सप्ताह में 10 दिन में 1 घंटे टाइम इसको दें, और मैं इस काम के लिए बीजा पीपल को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वो उन्होंने अलग जगह पर शुरू की। जब हमने कोई काम शुरू किया था तो पहले पायदान पर था, लेकिन हमें विश्वास है कि आज हम दूसरे तीसरे पायदान पार करके अपने समाज के लिए और अन्य कार्यों के लिए चौथे पांचवे पायदान पर पहुंच गए हैं। आने वाली पीढ़ी को यह सौगात सौंपेंगे ताकि वो और आगे बढ़े, आने वाले समय में और सौंपेंगे तो वो अपना लक्ष्य पूरा करें। तो मैं आपके माध्यम से बीजा पीपल को कहना चाहूंगा, लोग कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आए हैं तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन की का भी एक्शन प्लान यहाँ बना के जाए, डेमोक्रेटिक तरीका हो, और डेमोक्रेटिक तरीका में वो दिन दूर नहीं जो हमारा लक्ष्य पूरा ना हो सके, मैं ये वादा करता हूँ। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आभारी हूँ। जब कभी प्रोग्राम हो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा,
अरुण शेखपाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, राजमणि पटेल जी जो यहाँ सांसद हैं, बहुत सारे विधायक जी हमारे मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और समय दिया और आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।